अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर दिया बयान। बोला, न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत। राहुल के मुद्दे पर जर्मनी की प्रतिक्रिया पर भड़की बीजेपी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, थैंक यू राहुल। आम आदमी पार्टी का देश भर में पोस्टर अभियान शुरू। 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगा रही है आप। बीजेपी ने जताई नाराजगी। दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर। आप सरकार ने अब शिक्षा को लेकर पीएम को घेरा। पोस्टर में लिखा, क्या आपके पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। मंच पर वॉशिंग मशीन के साथ दिखी ममता। काला कपड़ा डाला और व्हाइट निकाला। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध। कर्नाटक में सियासी सरगर्मियां तेज। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने डीके शिव कुमार से की मुलाकात। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के लिए मांगेंगे वो। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गूंजे जय श्री राम के नारे। बिना इजाजत लोगों ने रामनवमी पर निकाला जुलूस। भारी सुरक्षा बल तैनात। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर भगोड़े ललित मोदी ने राहुल को दी धमकी। ब्रिटेन की कोर्ट में केस चलाने की दी धमकी। ट्वीट करके भगोड़ा कहने पर जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा। मंदिर में बावड़ी की छत में धंसने से 25 से ज्यादा लोग फंसे। बचाव कार्य।